बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 1 लर्निंग टू बी अ साइंटिस्ट। दिस इज माय लेक्चर नंबर 2। डियर स्टूडेंट, इन आवर प्रीवियस लेक्चर we learned about science, scientist and laboratory. We also understood the steps involved in solving a scientific problem. Dear student, today our topic is about apparatus present and used in a laboratory. As you already know, a laboratory is a place where scientific experiments are carried out. It contains lot of scientific equipments called apparatus, which is kept in the cupboards or on the shelves. Dear student, laboratory वो जगह होती है जहाँ पे एक scientist काम करते हैं। Laboratory में बहुत से equipments रखे जाते हैं जिनकी मदद से एक scientist अपना काम complete करता है। उन इक्विपमेंट्स को ऑपरेटर्स कहा जाता है। इन ऑपरेटर्स को कबर्ड्स और शेल्फ्स में तरीके से रखा जाता है एक लेबोरेटरी के अंदर। रिएजेंट बॉटल्स, केमिकल्स आर कैप्ट इन द लेबोरेटरी इन बॉटल्स कॉल्ड रिएजेंट बॉटल्स। स्पेसिमेंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर डिस्प्लेड ऑन शेल्फ्स इन कबर्ड्स एंड साइंटिफिक चार्ट्स आर डिस्प्लेड ऑन द वॉल्स। लेबोरेटरी में स्पेशल किस्म की बॉटल्स यूज़ की जाती हैं डिफरेंट किस्म के केमिकल्स को सेव करने के लिए। उन बॉटल्स को रीएजेंट बॉटल्स कहा जाता है। उसके अलावा लेबोरेटरी में बहुत से एनिमल्स और प्लांट्स के स्पेसिमेंस भी सेव होते हैं जो कि वहाँ पे कबर्ड्स में अरेंज किए हुए होते हैं। Let us know about some important instruments of laboratory used by a scientist. Microscope. It is used for magnifying small objects. It helps to make an object appear bigger with the help of many different lenses. माइक्रोस्कोपिक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि बहुत छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाने की एबिलिटी रखता है और हम माइक्रोस्कोप की मदद से बहुत छोटी चीज़ों को बड़ा करके देख सकते हैं। बैलेंस, इट इज यूज फॉर मेजरिंग द मास ऑफ द बॉडी विच इज मेजर्ड इन ग्राम्स। बैलेंस एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम बॉडी का मास मेजर करते हैं। What is mass? Mass is the quantity of matter in our body. किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जितना मैटर की तादाद है उसको मैस कहते हैं और किसी भी बॉडी के मैस को मापने के लिए हम बैलेंस यूज़ करते हैं और मैस को ग्राम्स में मेजर किया जाता है। 1 kilogram is equal to 1000 grams. मेजरिंग सिलेंडर, इट इज़ यूज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड विच इज़ मेजर्ड इन लीटर्स। मेजरिंग सिलेंडर को किसी भी चीज़ के वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं एंड इट्स यूनिट इज लीटर। 1 liter इज इक्वल टू 1000 milliliter. स्टॉप वॉच, इट इज़ यूज टू मेजर टाइम। टाइम को मापने के लिए हम स्टॉप वॉच यूज़ करते हैं। इट इज़ मेजर्ड इन आवर्स, सेकेंड एंड मिनट्स। वन आवर इज इक्वल टू 60 minutes एंड 1 minute इज इक्वल टू 60 seconds. मीटर रूल, दिस इज यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मीटर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करने के लिए हम मीटर रूल को यूज करते हैं और इसको मीटर्स में मेजर किया जाता है। 1 meter इज इक्वल टू 100 centimeters. थर्मामीटर,
Thermometer is used to measure temperature. It tells how hot or cold an object is. किसी भी बॉडी की हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसको थर्मामीटर कहते हैं. टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट डिग्री. सम अदर इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर यूज्ड इन लेबोरेटरीज आर एज फॉलोस. मेजरिंग सिलेंडर, इट इज़ यूज्ड टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड फॉर यूज इन रिएक्शंस. सबसे पहले जो चीज़ है वो मेजरिंग सिलेंडर है. मेजरिंग सिलेंडर में हम किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम हम मेजर कर सकते हैं. मेजरिंग फ्लास्क, इट इज़ यूज्ड फॉर प्रिसाइज डिल्यूशन एंड प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन. डिफरेंट काइंड के सॉल्यूशंस की प्रिपरेशन के लिए हम मेजरिंग फ्लास्क यूज करते हैं. ड्रॉपर, this is used for measuring and transferring liquids in small amounts. ये dropper को use किया जाता है बहुत कम मिकदार की liquids को transfer करने के लिए और उनको measure करने के लिए. burette, it is used to measure the volume of a liquid or a gas. vernier caliper, वर्नियर कैलिपर इज एन इंस्ट्रूमेंट. इट इज़ यूज टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑपोजिट साइड्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट की टू ऑपोजिट साइड्स के दरमियान के डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम वर्नियर कैलिपर्स यूज करते हैं. स्क्रू गेज, इट इज़ यूज टू फाइंड द डायमीटर ऑफ अ स्टील रॉड दैट इज़ यूज इन बिल्डिंग. स्क्रू गेज को किसी भी चीज़, किसी भी रॉड के डायमीटर को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है. दैट इज़ यूज्ड इन बिल्डिंग्स. डिज़ाइन ऑफ अ लेबोरेटरी, अ गुड लेबोरेटरी शुड बी डिज़ाइंड इन सच अ वे दैट इट वेल लेट एंड इट इज़ कन्वीनियंट एंड इजी टू वर्क इन. एक लेबोरेटरी को डिज़ाइन करते हुए इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वहाँ पे काम करने में आसानी हो, वहाँ पे डिफरेंट किस्म के एक्सपेरिमेंट्स और कैलकुलेशन बहुत इजी वे में किए जा सके. अ लेबोरेटरी शुड हैव दीज प्रॉपर्टीज. वेल वेंटिलेटेड, इट शुड बी वेल वेंटिलेटेड सो दैट फ्यूम्स ऑफ केमिकल्स कैन ईजिली एस्केप विदाउट काजिंग डिस्कम्फर्ट. Fire extinguisher, a laboratory must be equipped with a fire extinguisher to put out a fire in case of an accident. A first aid box containing emergency medicines and bandages must be kept in a handy place so that it can be used immediately if someone is injured or burned while performing an experiment. Safety rules for using a laboratory. A laboratory should be used carefully by following some safety rules that are as follows. Do not touch anything without your teacher's permission. Follow your teacher's instruction. Always put the things back in their places after uses. Put stoppers on the reagent bottles immediately after use. Report all damages to the person in charge of the laboratory. Wash your hands thoroughly after performing an experiment. Do not throw solids in the drains or in the sink. Always work carefully. Do not eat, drink, shout, play or throw anything at anyone. Thoroughly clean all apparatus after use. These are the instructions which we must follow while working in our laboratory. So dear student, today's lecture is over. Goodbye, take care, Allah Hafiz.